प्ले स्टोर सर्वर एरर प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों अगर आपके मोबाइल पे भी जब भी आप प्ले स्टोर ओपन कर रहे हैं तो वहाँ पे इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिल रहा है सर्वर एरर, तो कैसे इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं 101% इस वीडियो में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कराने वाला हूँ। सो गाइस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, आपको आपके पास से कोई सा मोबाइल हो ठीक है, आपको उसकी मेन सेटिंग्स में चले जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऐप्स मैनेजमेंट या ऐप्स करके एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद ऐप मैनेजमेंट के अंदर जाएंगे तो सारी ऐप्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगी ठीक है। अब उसके बाद ऊपर सर्च बार में आपको सर्च करना है सर्विसेज ठीक है। सर्विसेज जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, गूगल प्ले सर्विसेज एंड गूगल प्ले स्टोर। तो चलिए यहाँ पर मैं PLAY प्ले लिख के सर्च करता हूँ। तो देख सकते हैं गूगल प्ले सर्विसेज आ चुका है और गूगल प्ले स्टोर, ये दोनों ऑप्शन हर मोबाइल में मिलते हैं। तो आपको गूगल प्ले सर्विसेज को ओपन करना है और उसके बाद आप इसे सबसे पहले तो फोर्स स्टॉप करेंगे। उसके बाद स्टोरेज यूजेज पे आएंगे और यहाँ पे इसका मैनेज स्पेस पे आएंगे। और जैसे आप मैनेज स्पेस पे क्लिक करेंगे तो चलिए यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्लियर ऑल डाटा कर लेंगे ठीक है। मेरे साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है तो आप क्लियर ऑल डाटा कर देना, कुछ भी नुकसान नहीं होगा। उसके बाद यहाँ से बैक करेंगे और अब आपको यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर पे क्लिक करना है। गूगल प्ले स्टोर पे आना है और यहाँ पे आप आएंगे और यहाँ पे आप सबसे पहले तो आप इसे स्टोरेज यूजेज पे आएंगे और यहाँ पे आप इसे क्लियर डाटा कर देंगे। क्लियर डाटा करने से कुछ भी नुकसान नहीं होगा। अब आपको सिंपली यहाँ से क्या करना है, बिल्कुल बाहर निकलना है और आपको अपने मोबाइल में जो है क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है ठीक है। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे सर्च करना है menuupdate.com, जैसा कि मेरी स्क्रीन पे लिखा हुआ है साफ साफ ऐसे ही लिखना है आपको। menuupdate.com लिख के आप सर्च कर देंगे तो यहाँ पे मैंने सर्च कर दिया। उसके बाद आप पहली वेबसाइट पे क्लिक करेंगे मेन्यू अपडेट, तो इस पे क्लिक किया अब आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको ऊपर सर्च बार देखने को मिल रहा है ना, इस पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे लिखना है प्ले स्टोर सर्वर एरर। यहाँ पे देख सकते हैं प्ले स्टोर सर्वर एरर ऐसे लिखेंगे और सर्च कर देंगे। इतना करने के बाद आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन होगा, बिल्कुल ध्यान से देखना। अब आपको इस पर क्लिक कर देना है प्ले स्टोर सर्वर एरर सॉल्व, इस थंबनेल पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है बिल्कुल ध्यान से समझो, इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन नीचे मिलेगा, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है ब्लू कलर में, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टॉल नाउ प्ले स्टोर सर्वर एरर, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है प्ले स्टोर ऐप डाउनलोड करने के लिए आ जाएगी। तो चलिए यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड APK 17 MB में ये आपको मिलेगी ठीक है। इस पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेना है, मैंने ये ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है। जैसे आप इसे डाउनलोड करेंगे तो जो आपकी प्रॉब्लम है ईजिली यहाँ से सॉर्ट आउट हो जाएगी, मतलब जो आपका प्ले स्टोर में एरर आ रहा था वो ख़त्म हो जाएगा और मोबाइल को रिस्टार्ट कर लेना है इसे डाउनलोड इंस्टॉल करने के बाद। आई होप इस वीडियो में दी गई जानकारी आप अच्छे से समझ पाए होंगे।